ये कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा, 125 सीटिंग का रेमन रहेगा और साइड पे मिला के अगर आप देखेंगे ये 250 के करीब बन जाएगा। 250 से भी ज़्यादा हो सकता है, 300 तक पहुँच सकता है। 125 सीटिंग अरेंजमेंट होगी राउंड टेबल के साथ चेयर्स, और अगर साइड पे भी हम लगाएंगे तो ये कम से कम आपके 300 तक पहुँच जाएगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़ा बदलाव आया है, हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के अंदर हो, कॉरपोरेशन के अपने प्रोजेक्ट्स हों, हर जगह। और ये संभव हो पाया है दिन रात मेहनत करते हुए, और हमारे जो अधिकारी हैं चाहे वो स्मार्ट सिटी के सीईओ हों, जॉइंट कमिश्नर वर्क्स हों, प्रोजेक्ट्स के एक्सिन हों और बाकी सारा सिविल स्टाफ एक्सिन, सब ने दिन रात मेहनत की है। और आज आपने देखा है जम्मू में हर प्रोजेक्ट्स में और बाकी सभी व्यवस्थाओं में निखार आना शुरू हो गया, और जम्मू का फेसलिफ्ट होते हुए आज जम्मू अलग से दिखता है। और आप ही सब लोग, मैं देखता हूँ वीडियोस डाली होती हैं कि आज ये फाउंटेन शुरू हो गया, ई बसेस का ट्रायल चल रहा है, बलिदान स्तंभ के बाहर जो हमारा रोटरी है, एक दिन मैं देख रहा था उसका किसी ने डाला हुआ था पूरा विजुअल्स, हर की पौड़ी है, लेजर शो है, म्यूजिकल फाउंटेन है, ओशनेरियम का काम चल रहा है, बावे वाला सर्किट आज एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से बीसी रोड है, पार्किंग है, तालाब दिलों से लेकर कैंप की तरफ जो रोड जाती है उसका रीडेवलपमेंट है, 10 फीट वो चौड़ा हो गया। तो चारों तरफ आज जम्मू में डेवलपमेंट दिख रही है, इसका श्रेय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अपना कैपेसिटी बिल्डिंग किया। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास पैसा भी हो लेकिन आप खर्च कैसे कर पाएंगे अनलेस अनटिल यू हैव द कैपेसिटी बिल्डिंग, वो करके बताया। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, आज इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन हो रहा है जो 2 करोड़ की लागत से बनी है। यहाँ जो नए मेयर आएंगे उनके लिए बहुत बढ़िया एकोमोडेशन है, तो हम उनके लिए प्रावधान करके जा रहे हैं कि जो नई व्यवस्था आएगी उनको अच्छी व्यवस्थाओं में काम करना है, वैसी व्यवस्थाएं बना के जा रहे हैं। और यहाँ चाहे वो मेयर का ऑफिस हो, डिप्टी मेयर का ऑफिस हो, वेटिंग रूम हो, कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें 125 तो चेयर्स होंगी राउंड टेबल के आसपास, लेकिन साइड पे भी अगर हम चेयर्स लगाएं तो वो 250-300 तक की सीटिंग का अरेंजमेंट है। तो इतना बड़ा हॉल इस व्यवस्था के अंदर कॉरपोरेशन में आया है, और बाकी सभी रूम्स, लिफ्ट का प्रावधान, हर तरीके से कॉरपोरेशन की व्यवस्थाएं बड़ी हैं। और ये हुआ है मोदी जी के विजन के कारण, जिन्होंने ये कहा था कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करते हुए ग्रास रूट लेवल तक अपनी डेमोक्रेसी लेनी है। और आप देखें 2018 में 25 करोड़ हमारा खर्च होता था कैपेक्स का बजट, 2022 में 128 करोड़ और इस साल में 167 करोड़ कैपेक्स का बजट हम खर्च कर रहे हैं, जिससे लोगों की नालियां, गलियां, सड़कें बनी हैं। और ये 450 करोड़ स्मार्ट सिटी के खर्च के अलावा है, तो कॉरपोरेशन ने कितने पैसे खर्च किए, ये हमें समझने वाली बात है। और इसीलिए सारी व्यवस्थाएं बदली हैं, और इसके लिए दिन रात मेहनत के लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ।